हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। मैं आपके लिए लाया हूं एक यूज़फुल वीडियो, एक मोबाइल चार्जर जो कि बैटरी से काम करता है, आपके मोबाइल को अच्छे तरीके से चार्ज करता है। एंड इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। पहला है 705 IC, 1 किलोग्राम का रजिस्टेंट, ऑन ऑफ स्विच, 1 LED, सम वायर, 9 वोल्ट बैटरी एंड बैटरी क्लिप। ओके फ्रेंड्स, एंड होल्डर। और एक ज़रूरी चीज़ तो रह गई फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, PCV। इसी से हमें सारे कनेक्शन करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ आपको इसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं। तो पहले हम लेते हैं IC, ये हम ऐसे पुट करते हैं इसमें, तरीके से हमें ये लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के आगे हमें लगाना है 1 किलोग्राम का रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, मैंने IC लगा दी है, अब मुझे यहाँ पर 1 किलोग्राम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1 किलोग्राम का रेजिस्टेंस एंड LED। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेगेटिव नेगेटिव एंड टेक इट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी। हमें इसको कनेक्शन करने के लिए शोल्डर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास है। तो अभी हम क्या करते हैं, शोल्डर्स एंड इसके हम वायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लस रेजिस्टेंस एंड तो हम अभी इसके कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एक कनेक्शन यहाँ से, और यहाँ पे ये हो गया। अब इसका जो सेकंड कनेक्शन है वो हमारा इस तरीके से होगा। ये हमारे 3 वोल्ट्स हैं, इस 3 वोल्ट बटन के क्लिप्स हैं, इनमें से हमें ये बीच वाला पॉइंट ये ऊपर की तरफ कर देना है, और इसी से हमारा तीसरा जो सेकंड कनेक्शन है वो होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा तीसरा कनेक्शन जो है इस बीच वाले पॉइंट से यहाँ तक आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा, ये हुआ, और ये
से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसे बनाने में, एंड आप अच्छे से इसको प्रोजेक्ट के रूप में अपना तैयार भी कर सकते हैं, एंड अपने होममेड में या जरूरी जैसे भी है आप यूज़ भी कर सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, इसे मैंने भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा काम वर्क भी करता है। एंड इसका जो कनेक्शन है हमारा ये होगा 1 LED से, एंड प्लस पॉजिटिव कनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये देखिए यहाँ से हमारा ये चौथा जो कनेक्शन है ये हुआ है यहाँ से हमारा, और ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन रेडी। बस कुछ ही समय में हमारा ये बैटरी चार्जर जो है रेडी हो जाएगा, और ये लगभग रेडी भी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी चार्जर की जो वायरिंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। इसका हम एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, हमें इसके लिए एक बैटरी सप्लाई वायर की ज़रूरत होगी जो हमें सप्लाई वायर देगी। अब इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करने हैं। इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हम कनेक्शन करना स्टार्ट कर, तो पहले मैं इसका पॉजिटिव कनेक्शन जोड़ता हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन, ये यहाँ से हमारा लगभग ये हो गया, एंड हमारा नेगेटिव कनेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन ये देखिए ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे सप्लाई वायर के कनेक्शन हो गए। अब हमारे को बैटरी के क्लिप के सप्लाई वायर के लिए जो बैटरी जो पावर देगी उसके लिए हमारे पॉइंट कनेक्ट ये करने हैं हमें कनेक्शंस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं इसका कनेक्शन कैसे और कहाँ से कंप्लीटली होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लगभग होता है। तो फ्रेंड्स अब हमें प्लस वायर में प्लस कनेक्शन करना है। ये देखिए हमारा रेड है, रेड इसमें जोड़ा है, रेड ही हमारा जो है प्लस का है, इसे हम इसमें कनेक्शन ये हमने ये कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेगेटिव में नेगेटिव का कनेक्शन हम कर देते हैं। तो ये नेगेटिव में हमारा यहाँ पर इसमें कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया और आपको मैंने कनेक्शन दिखा दिए ये कैसे होते हैं और कैसे नहीं, ये मैंने आपको सारी वायरिंग्स दिखा दी हैं फ्रेंड्स। ये हमारी 9 वोल्ट बैटरी से ये आउटपुट जो इसका कनेक्ट होगा, एंड ये हमारी केबल जिससे हमारा इनपुट कनेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, बट मुझे लगता है कि इसकी LED अभी कुछ थोड़ा स्लोली स्लोली काम कर रही है, उसके लिए चेक करते हैं अभी कुछ हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एलईडी चालू हो गई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ऑन के ऑन, और ये ऑफ, ऑन ये ऑफ ऑन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई ऑन। तो अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ओके ओके फ्रेंड्स, मेरे पास एक इसी मैंने ये आपको वायरिंग दिखाई थी करके जिससे कि आपको पता अंदाज़ा लग जाए कि आप इसको कैसे मोनेटाइज करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो आपको ये पता चल गया। इसी के जैसा मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये चार्जिंग लेता है या नहीं लेता है। ओके फ्रेंड्स, मोबाइल में भी दिखाऊंगा और आपको पावर बैंक में भी दिखाऊंगा, आप इसके ज़रिए पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे पास ये दूसरा जो कलेक्शन था वो मैंने आपको वायरिंग करके दिखा दी, ये मेरा दूसरा कलेक्शन है। ये अब मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, इससे पहले मैं आपको पावर बैंक दिखा देता हूँ कि मेरी पावर बैंक कितने mAh की है। ये देखिए फ्रेंड्स, इट्स 5 यानी कि 5600 mAh की पावर बैंक है मेरी, 5600 mAh की, लगभग 2-3 मोबाइल अच्छे से चार्ज कर देगी। एंड फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, और ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा चालू, ये मेरा ये होता है, ये देखिए फ्रेंड्स चालू होगी फ्रेंड्स, और ये हमने अगर यहाँ से हटा दिया, दे देखिए फ्रेंड्स चार्जर ऑफ, तो ये ऑफ, देखिए फ्रेंड्स ऑन,
तो ये ऑन, ऑफ तो ऑफ, ऑन तो ऑन, देखिए ये देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये तो हमारी थी पावर बैंक की बात। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको अपना मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ, और ये देखिए ये मैंने पॉइंट लगाया, ये देखिए ये, और ये देखिए चार्ज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स अब ये देखिए कि मैंने ये लिया, और ये मैंने यहाँ से ये हमारा ये ऑफ ऑफ कर दिया, देखिए देखा फ्रेंड्स, एंड ये देखिए चार्जिंग हो रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग। आप अपना इसी तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड अपने स्कूल में प्रेजेंट भी कर सकते हैं, एंड अपने ज़रूरती रोज़मर्रा की चीज़ों में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इस इज़ यूज़फुल वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए एंड आपके घर वालों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।